बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां हिंदुस्तान की तकनीकी ताकत का डंका बज रहा है। बात चाहे विदेश नीति की हो या फिर पेट्रोल को रिप्लेस करने वाले फ्लेक्स फ्यूल। पाकिस्तान में यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी का एक बयान कैसे वायरल हो रहा है, इस रिपोर्ट से समझिए। पेट्रोल का भाव होगा हाईवे मैन का मुरीद, क्यों हुआ पाकिस्तान? इंडिया के मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला कि आने वाले टाइम में इंडिया में पेट्रोल 15 रुपए लीटर हो सकता है। 15 रुपए लीटर पेट्रोल के कैसे चर्चे पाकिस्तान में हैं? रिफॉर्म्स की वजह से आज इंडिया बहुत आगे है। दफाई लिहाज से तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मौशी लिहाज से नहीं कर सकते। ये एक एडमिटेड फैक्ट है, ये हमें ना चाहते हुए भी तस्लीम करना पड़ेगा। इंडिया का फ्यूचर प्लान पाकिस्तान में घमासान। वो जो हुक्मरान बैठे हैं, वो कम से कम अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं। यहाँ पे हमारे जो मुल्क के हुक्मरान है, उनको अपने मुल्क से कोई गर्ज नहीं है। 15 रुपए में एक लीटर पेट्रोल, इंडिया के इसी फ्यूचर प्लान पर पाकिस्तान की त्योरियां चढ़ गई हैं। आवाम हुक्मरानों को धिक्कार रही है, मियां शहबाज को धिक्कार भरी नजरों से देखा जा रहा है। दरअसल आवाम के इस गुस्से की बुनियाद भारत के उस प्लान से पड़ी, जिसकी थ्योरी चंद घंटे पहले राजस्थान में खड़े होकर हिंदुस्तान के हाईवे मैन नितिन गडकरी ने देश को समझाई थी। देश में 15 रुपए लीटर पेट्रोल कैसे मिलेगा, उसका रिकैप जरा सुन लीजिए। अब सब गाड़ियां किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर चलेगी, 60% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। इसका मतलब ये है कि इथेनॉल पर जो गाड़ी चलेगी, उससे पेट्रोल की बचत होगी और गाड़ी का एवरेज ऐसा आएगा जिससे कस्टमर को लगेगा कि उसकी गाड़ी में पेट्रोल 100 रुपए लीटर नहीं बल्कि 15 रुपए लीटर के हिसाब से पड़ा है। हिंदुस्तान के हाईवे मैन नितिन गडकरी के इसी प्लान का पूरा पाकिस्तान मुरीद हो चुका है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत दिन ब दिन बढ़ती नजर आ रही है। इंडिया के मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला कि आने वाले टाइम में इंडिया में पेट्रोल 15 रुपए लीटर हो सकता है। उन्होंने एक पॉलिसी बताई है एथेनॉल और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी पे अगर वो काम करेंगे तो। क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में वो इस चीज को पे काम कर सकेंगे? रिफॉर्म्स की वजह से आज इंडिया बहुत आगे है। दफाई लिहाज से तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मौशी लिहाज से नहीं कर सकते। ये एक एडमिटेड फैक्ट है, ये हमें ना चाहते हुए भी तस्लीम करना पड़ेगा। यकीन, भारत पाकिस्तान से 100 साल आगे निकल चुका है, जिसका इल्म पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को है। भारत भविष्य में 15 रुपए लीटर पेट्रोल बेचने पर वर्कआउट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में तेल आवाम का तेल निकाल रहा है, लिहाजा आवाम बेहद गुस्से में है। सवाल मियां शरीफ की नियत पर उठाए जा रहे हैं। रूस से कॉन्टेक्ट किया, वहाँ पे उनसे जो सारा सिस्टम किया पेट्रोल लाने के लिए, मगर बात तो वो है ना कि हमें पेट्रोल तो फिर भी उस कीमत पे मिली नहीं ना, उस कीमत पे नहीं, उल्टा महंगा हो गया। मजे की बात यह है कि उनकी और हमारी इकोनॉमी में बहुत सारा फर्क आ चुका है। वो कंट्रीज हैं और वो कौमें हैं और वहाँ पे गवर्नमेंट्स हैं, वो लोग अपने मुल्क को आगे लेके जाते हैं, हम लोग बजाय आगे जाने के हम दिन ब दिन जो है ना पीछे आते जा रहे हैं। वो जो हुक्मरान बैठे हैं, वो कम से कम अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं। यहाँ पे हमारे जो मुल्क के हुक्मरान हैं, उनको अपने मुल्क से कोई गर्ज नहीं है। उनको सिर्फ गर्ज है कि उन्होंने इक्तदार में आना है, 5 साल उन्होंने लूटना है, अच्छा खासा ठीक ठाक लूटना है, हम लोगों को फिर मकरूज करके और चले जाना है यहाँ से। पाकिस्तान में पेट्रोल खून से महंगा है, हालात ऐसे ही नाजुक नहीं है। आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलेगा कि पाकिस्तान में रोजाना 51,781 मीट्रिक टन तेल की खपत होती है। 2022-2023 में पाकिस्तान में 1,89,00,000 मीट्रिक टन तेल की खपत हुई। 2021 में पाकिस्तान ने $3.5 बिलियन का कच्चा तेल आयात किया। सऊदी अरब, रूस, यूएई, कुवैत, मलेशिया से पाकिस्तान ने ऑयल इंपोर्ट किया था। दूसरा, पाकिस्तान की माली हालत बेहद पतली है, तेल का इंपोर्ट ही पाकिस्तान का बजट बिगाड़ चुका है, मुल्क भूखों मर रहा है। ऐसे हालात में एथेनॉल से तेल बनाना पाकिस्तान के लिए अभी भी दूर की कौड़ी है। सर, हमारा जो माफिया वो हमें कभी भी कम प्राइस पे पेट्रोल नहीं लेने देगा। ठीक है, हमारा माफिया चाहता है कि वो प्रॉफिट कमाए, हमें सस्ती चीज़ वो लेने नहीं कभी देगा माफिया हमारा। नहीं, लेकिन वो गवर्नमेंट का काम है ना वो सारा सिस्टम को देखना। हमारी गवर्नमेंट पता ही नहीं क्या काम कर रही है, अगर हमें ये पता चल जाए तो हम तरक्की ना कर ले, आगे ना चले जाए। 100% सही कहा, पाकिस्तान में सरकार है ही कहाँ, सरकार तो जनरलों की है,
जो जैसे चाहते हैं मुल्क को चलाते हैं, जैसे चाहते हैं मुल्क की लुटिया डुबोते हैं। ऐसे में पाकिस्तानी आवाम भारत की रीति नीति का सजदा ना करे तो भला और क्या करें।